वैज्ञानिकों ने हाल के दिनों में एक ऐसे फॉर्मूले की खोज की है जो ग्रहों के खोज के बारे में पता कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे ग्रह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जहाँ 7 घंटे में गुजर जाता है एक साल। इस नवीन ग्रह को अंतरिक्ष की ताकतवर दूरबीन यानी कि कैप्लर की मदद से खोजा गया है। यह तेज गति से घूमने वाला ग्रह अपने आप में कई हैरतअंगेज खूबियां लिए हुए है। ग्रह की खासियत जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस ग्रह पर एक साल महज 7 घंटे में गुजर जाता है। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता है। इतना ही नहीं, इस अजीब ग्रह का वातावरण भी बहुत ज्यादा खराब है। आपके लिए बता दें कि इस ग्रह का नाम एपिक बी है। गौरतलब है कि पृथ्वी पर 365 दिन में एक साल पूरा हो जाता है, यानी कि इतने दिनों में पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा लेती है। इसमें भी अलग अलग मौसम और ऋतुएं आती जाती रहती हैं, मगर ये ग्रह तो दोपहर के साथ ही एक नए साल की सौगात लेकर आ जाता है। कैप्लर टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया ये ग्रह केवल 7 घंटे में सूरज का एक चक्कर पूरा लगा लेता है। इसे अंतरिक्ष का सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कहा गया है। इस ग्रह की जो एक्सिस है यानी कि कक्षीय गति है, वो ऐसी लगती है मानो कि हवा से बातें कर रही हो। अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने के लिए यह केवल 6.7 घंटे लेता है, यानी इतने समय के बाद एक नया साल इस ग्रह पर हो जाता है। इस हिसाब से आप लगा लीजिए कि हमारे एक साल में इस ग्रह के कितने साल आते होंगे। ग्रह का अन्य नाम C1234b भी रखा गया है। कैप्लर दूरबीन की मदद से इस ग्रह को खोजा गया है। इस दूरबीन की मदद से अब तक 2300 ग्रहों को स्कैन किया जा चुका है। कैप्लर दूरबीन इस मिशन को K2 मिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि पृथ्वी का एक साल और इस ग्रह के कितने साल होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपना जवाब दें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।